नमस्कार, मैं बात करने जा रहा हूँ भारतीय डायनासोर के इतिहास के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं डायनासोर के बारे में। डायनासोर जीवों का ऐसा समूह है जिसमें से ज्यादातर तो अब विलुप्त हो चुके हैं, परंतु उनकी एक जो वंशज कह सकते हैं वो आज भी जीवित है, जिन्हें हम पक्षी कहते हैं। दुनिया में कोई भी किसी भी प्रकार का जो पक्षी है वो सबके सब डायनासोर से ही आए हैं, चाहे वो अंटार्कटिका में रहने वाला पेंगुइन हो, चाहे मुर्गियां हो, चाहे मोर हो, चाहे ईगल हो, चाहे ऑस्ट्रिच इमू कोई भी हो, वो सबके सब डायनासोर ही है। डायनासोर जो है उसको हम दो मुख्य समूहों में बांट सकते हैं, एक है सरोसियंस, दूसरे है ऑर्निथिशियंस। सरोसियंस को भी दो समूह में बांटा जा सकता है, एक है थेरापोड डायनासोर जिनमें ज्यादातर जो थे मांसाहारी थे, दो पांव पे चलते थे, पर उसमें सारे के सारे ऐसे नहीं थे, कुछ उसमें से शाकाहारी भी थे। और जो पक्षी हैं वो इन्हीं थेरापोड समूह से आता है डायनासोर के। दूसरा है सॉरोपोड डायनासोर, ये लंबी गर्दन वाले शाकाहारी जीव होते थे, उसमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा बड़े होते थे, जैसे कि अर्जेंटिनोसॉरस और पटेगो टाइटन। दूसरा समूह जो है डायनासोर का वो है ऑर्निथिशियंस। ऑर्निथिशियन डायनासोर भी कई समूह में बांटे गए हैं, जिसमें थे स्टेगोसॉर जिनके पीठ पे इस तरह की प्लेट्स होती थी, इसमें थे एंकाइलोसॉर जिनके पीठ में कवच होता था और स्पाइक्स होती थी और हॉर्न होते थे। फिर आ जाते हैं सेराटॉप्सियंस जिनके सर पे फ्रिल होता था, और सर पे कुछ स्पीसीज के सर पे ऐसे सींग होते थे और स्पाइन्स होते थे, स्पाइक्स होते थे। फिर आ जाते हैं पैकिसेफेलोसॉरस जिनके सर पे काफी जो हड्डी थी वो काफी मोटी थी, इसलिए इनका नाम भी पड़ा पैकिसेफेलोसॉरस, यानी कि मोटी खोपड़ी वाले डायनासोर। फिर इसमें एक समूह है ऑर्निथोपोड्स जिसमें इगुआनोडॉन और पैरासोरोलॉपस ये सब आते हैं। सबसे पहला जो साइंटिफिकली डिस्क्राइब किया गया डायनासोर था वो था मेगालोसॉरस, जिसे विलियम बकलैंड ने 1824 में डिस्क्राइब किया था। उसके जो अवशेष मिले थे उससे साफ मालूम होता था ये एक मांसाहारी डायनासोर है, और जो पुराना अगर आप रिकंस्ट्रक्शन देखें इसका, तो इसको चार पांव पे चलने वाला एक मांसाहारी बड़ी सी छिपकली के रूप में दर्शाया जाता है। पर जैसे जैसे अवशेष मिले, हमारी जानकारी बढ़ी डायनासोर के बारे में, हमारा ज्ञान और ज्यादा बढ़ा, तो हमें मालूम पड़ा कि जो मेगालोसॉरस है वो चार पांव पे चलने वाली बड़ी सी छिपकली नहीं थी, बल्कि दो पांव पे चलने वाले डायनासोर थे, थेरापोड डायनासोर थे, जैसे कि टीरेक्स। 1825 में गिडियन मेंटल ने एक डायनासोर को डिस्क्राइब किया इगुआनाडॉन। इगुआनाडॉन का मतलब होता है इगुआना के दांत जैसा। ये इगुआना छिपकली है, अगर आप इसके दांत को देखें तो इनके ये दांत इगुआनाडॉन के दांत से काफी मिलते हैं। इससे ये नतीजे पे पहुंचे थे कि ये शाकाहारी बड़ी सी छिपकली थी। ये इसका पुराना रिकंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि इसके नाक पे एक गैंडे की तरह एक स्पाइक आप कह सकते हैं वो था। ये चार पांव पे चलने वाला जीव दर्शाया जाता था। पर जैसे हमारा ज्ञान डायनासोर के बारे में बढ़ा और ज्यादा अवशेष हमें प्राप्त हुए, हमें पता चला कि इगुआनोडॉन काफी अलग दिखता था। ये चार पांव पे भी चल सकता था और साथ ही साथ दो पांव पे भी चल सकता था। आप देख सकते हैं इसके पीछे वाले पांव काफी बड़े थे। जो सींग उसके नाक पे पहले सोचा जाता था कि था, असल में वो उसके अंगूठे का स्पाइक था जो शायद वो अपने डिफेंस के लिए यूज करता था। जब इगुआनोडॉन और बाकी जो पुराने डायनासोर थे, जो मेगालोसॉरस हो गया, एलेसॉरस हो गया, वो जब डिस्क्राइब किए गए थे तब डायनासोर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। डायनासोर जो टर्म है वो सर रिचर्ड ओवन ने कॉइन किया था 1842 में, और उन्होंने इसमें इस कैटेगरी में मेगालोसॉरस को इगुआनोडॉन को रखा था। अब बात करते हैं भारत में डायनासोर की खोज के बारे में। सबसे पहला जो डायनासोर का जो रिमेन जो इंडिया से प्राप्त होता है वो हुआ था 1828 में, खोजा गया था बाय ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर विलियम हेनरी स्लीमन ने, जिसे जबलपुर मध्य प्रदेश से खोजा गया था। जबलपुर मध्य प्रदेश में जहाँ लमेटा स्थित है, गन कैरेज फैक्ट्री के बगल में पाट बाबा मंदिर है, वहां पर ये लमेटा की बेड्स हैं जिसपे डायनासोर की कई सारी हड्डियां अवशेष पाए गए थे, वहीं से ये स्पेसिमेन ये फॉसिल भी मिला था, जिसे 1877 में रिचर्ड डेडेकर जी ने डिस्क्राइब किया था एज अ टाइटानोसॉरस इंडिकस, ये जीनस और स्पीसीज है। 1879 में रिचर्ड डेडेकर ने टाइटानोसॉरस की दूसरी स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया था, इसका नाम था टाइटानोसॉरस ब्लैनफोर्डाई। इसके अवशेष विस्दूरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से खोजे गए थे, ये भी लमेटा में ही, लमेटा का ही सिक्वेंस माना जाता है। फिर भारत से कई और डायनासोर की खोज हुई, जैसे कि लमेटासोरस जो कि लमेटा बेट जबलपुर से ही खोजा गया था, जिसे मेटले ने डिस्क्राइब किया था 1923 में। यहां से लंबी गर्दन वाले डायनासोर जेनासोरस भी खोजा गया था, एंटार्क्टोसोरस जिसका पुराना नाम था, साथ साथ थेरापोड डायनासोर जैसे कि इंडोसोरस, इंडोसुकस, कैम्पसोसुकस, सिलेरोसोरिडिस, सिलोराइडिस, ऑर्निथोमिमोइडिस, जबलपुरिया, लेविसुकस, ड्रिप्टोसोरिडिस, ये सब भी खोजे गए थे। इन सबको ह्यूने और मेटले ने 1933 में डिस्क्राइब किया था।
भारत की जब आजाद हुआ था उसके बाद भी ये खोज का सिलसिला जारी रहा, जिसमें बैरापासोरस टैगोरी को खोजा था खोजा गया आईएसआई की टीम के द्वारा, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। कोटासोरस को खोजा गया जीएसआई की टीम के द्वारा। एल वॉल्केरिया एक बेसल थेरापॉड डायनासोर के तरीके से डिस्क्राइब किया गया था, पर नई खोज जैसे बताती है कि वो थेरापॉड डायनासोर नहीं था बल्कि बेसल सोरोसियन डायनासोर था, यानी कि वो थेरापॉड से भी ज्यादा पुराना था। तो ये डायनासोर का इवोल्यूशन जो पढ़ते हैं उनके लिए काफी मददगार है। साथ साथ आईएसआई सोरस भी खोजा गया था, जिसे आईएसआई की टीम ने ही खोजा गया था, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। फिर राजा सोरस जिसे जीएसआई ने खोजा था, रहोली सोरस ये फिर से आईएसआई की टीम ने खोजा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ज्यादातर जो डायनासोर हैं इंडिपेंडेंट के बाद, इंडिपेंडेंट इंडिया में ज्यादातर जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ने खोजे थे। साथ ही साथ कुछ प्रोसॉरोपोड डायनासोर भी खोजे गए, यानी कि ये माना जा सकता है कि ये लिंक थे सॉरोपोड डायनासोर और बेसल डायनासोर के बीच। बेसल डायनासोर यानी कि जो सबसे पुराने जो डायनासोर के पूर्वज होते थे उनके और लंबी गर्दन वाले डायनासोर के बीच की कड़ी थे आप कह सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके पिछले वाले पाँव काफी लंबे होते थे, आगे वाले पाँव छोटे होते थे, तो ये दो पाँव पे भी चल सकते थे और चार पाँव पे भी चल सकते थे। इनकी सॉरोपोड की तरह लंबी गर्दन होती थी, पर ये सॉरोपोड नहीं थे, इनको हम प्रोसॉरोपोड कहते हैं। प्रोसॉरोपोड की इंडिया से कई सारे स्पीसीज निकली हैं, जिसमें से ये कुछ मुख्य ये हैं लैम्पलोगोसोरस, नेम्बालियन। भारत से डायनासोर के अंडे भी काफी खोजे गए हैं। ये जो आप गोल वाले अंडे देख रहे हैं ये सॉरोपोड डायनासोर के टाइटानोसोरस के माने जाते हैं, और ये इलेप्टिकल वाले जो काफी कुछ मुर्गी के अंडे की शेप के जैसे होते थे ये मांसाहारी डायनासोर थेरापोड डायनासोर के माने जाते हैं, जिसमें राजासोरस, रहोलीसोरस ये सब होते थे। भारत से पिस्दूरा जगह से और डोंगरगांव जगह से वहां से डायनासोर्स की कॉप्रोलाइट भी बरामद हुई है, जिसमें से खासतौर से ये वाली कॉप्रोलाइट जिसका साइज काफी बड़ा होता है, माना जाता है कि ये एक हर्बीवोर डायनासोर ने निकाली थी। और जैसे कि फॉसिल रिकॉर्ड में देखते हैं हम तो उस समय पे टाइटानोसोर ही बड़े हर्बीवोर डायनासोर होते थे, यानी शाकाहारी डायनासोर होते थे जो कि इस तरह की कॉप्रोलाइट को प्रोड्यूस कर सके। कॉप्रोलाइट असल में डायनासोर का गोबर होता है जो कि समय के साथ जब दफन हो गया सेडिमेंट्स में मिट्टी में तो वो समय के साथ पत्थर बन गया। भारत से डायनासोर के पंजों की भी खोज हुई है, जो पंजे के निशान की खोज हुई है। इसमें से ज्यादातर जो है वो कच्छ रीजन से आते हैं, जहां पर जुरासिक काल की बैठ होती है, और ये जैसलमेर में से भी पाए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये थेरापोड डायनासोर के पंजों के निशान है, इसमें तीन उंगलियां हैं, ये काफी कुछ पक्षी के निशान जैसे दिखते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सॉरोपोड के निशान जैसे हैं। फिर बात करते हैं डायनासोर के खत्म होने की, कि वो कैसे एक्सटिंक्ट हुए, धरती से उनका कैसे खात्मा हुआ। वैसे डायनासोर पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया पक्षी जो है वो डायनासोर के ही वंशज हैं, डायनासोर के एक खास वंशज जिसे हम पक्षी कहते हैं वो बच गया, क्योंकि उनका साइज जो है काफी छोटा था, वो उनको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तबाही जब हुई तो डायनासोर के एक्सटिंक्शन यानी खात्मे के पीछे दो मेजर थ्योरीज दी जाती हैं। उसमें से सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी है वो है मीटेराइट इम्पैक्ट या किसी बड़े एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट धरती पे। इसके दो सबसे इम्पोर्टेंट सबूत मिलते हैं, वो है पहला इरिडियम रिच क्ले जो कि हमें धरती के कई अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं, और इरिडियम जो है वो धरती पे इतना कॉमन नहीं है, वो इतनी मात्रा में नहीं मिलता, पर ये इरिडियम एस्टेरॉयड में मीटोराइट में काफी भारी मात्रा में होता है। तो अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड टकराया धरती से और उसकी जो धूल है पूरी धरती को उसने कवर कर लिया, तो उसकी धूल जब बैठी तो उसने एक इरिडियम रिच क्ले का निर्माण किया, जो कि पूरी दुनिया में हमें कहीं ना कहीं मिलती है, इंडिया में मिली है। ये तो पहला सबूत हो गया। दूसरा सबूत जो कि मीटोराइट इम्पैक्ट थ्योरी को सपोर्ट करता है, हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, वो है इम्पैक्ट क्रेटर का मिलना। इम्पैक्ट क्रेटर क्या होता है, जब कोई बड़ा एस्टेरॉयड या मीटोराइट धरती से टकराता है तो वहां पर वो गड्ढा कर देता है। उस समय के उस काल के दो ऐसे गड्ढे यानी कि दो इम्पैक्ट क्रेटर हमें मिले हैं। पहला जो है चिक्सलब स्ट्रक्चर, चिक्सलब क्रेटर भी इसे हम कह सकते हैं, वो मिला है हमें मैक्सिको से। दूसरा जो है हमें इंडिया से मिला है, ये ज्यादा बड़ा है, इसका आधा पार्ट जो है वो इंडिया में है और आधा पार्ट मेडागास्कर के पास। दूसरी जो हाइपोथेसिस मानी जाती है जिसने डायनासोर के एक्सटिंक्शन में उसके खात्मे में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो है वॉल्केनिक हाइपोथेसिस। डेक्कन वॉल्केनो जिसकी वजह से डेक्कन ट्रैप इंडिया में बना है, वो उसी समय बन रहा था जब मीटोराइट इंपैक्ट हुआ, यानी कि जब डायनासोर का खात्मा हुआ। अब ये इतनी भारी मात्रा में हुआ कि इसने सदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया का कई सारा पार्ट कवर कर लिया, यानी कि आप सोच सकते हैं ये वॉल्केनिक एक्टिविटी कितनी भारी मात्रा में हुई थी। वॉल्केनिक एक्टिविटी से कई जहरीली गैसेस भी एटमॉस्फेयर में निकलती हैं, जो कि पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ सकती हैं। एक हाइपोथेसिस के मुताबिक ये वॉल्केनिक एक्टिविटी ही डायनासोर के खात्मे के लिए उत्तरदायी थी। अब डायनासोर से भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। डायनासोर भारत के कई हिस्सों में पाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य है जैसलमेर बेसिन,
जहां पर डायनासोर की हड्डियां और पंजों के निशान मिले हैं, गुजरात का कच्छ पार्ट जहां पर जुरासिक काल के डायनासोर के हड्डियां और पंजों के निशान मिले हैं, गुजरात में बालासिनोर जगह जो कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है वहां से भी डायनासोर की हड्डियां मिली हैं क्रिटेशियस काल की, जबलपुर डायनासोर की हड्डियां मिली हैं क्रिटेशियस काल की, महाराष्ट्र और तेलंगाना का हिस्सा जहां पर जुरासिक और ट्रायसिक काल के डायनासोर के अवशेष मिले हैं, शिलोंग से जहां पर क्रिटेशियस काल की डायनासोर की हड्डियां मिली हैं, और कावेरी बेसिन जहां से क्रिटेशियस काल की डायनासोर की हड्डियां मिली हैं। अब डायनासोर की स्टडी करना या डायनासोर जैसे प्राचीन जीवों की स्टडी करना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसका पहला कारण है पैलियोजियोग्राफी। पैलियोजियोग्राफी मतलब कि जैसा आज आप दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया हमेशा से वैसी नहीं थी। आज हम देखते हैं कि भारत जो है वो यूरोप के पास और चाइना के पास है, जबकि भारत जो है डायनासोर के काल में यानी मेसोजोइक काल में मेडागास्कर और अफ्रीका के पास में था, और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया उससे जुड़े हुए थे। तो ये कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट होते रहते हैं, वो एक जगह नहीं रहते। तो इसको हम जो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि पुराने समय में कोई कॉन्टिनेंट कैसा था, उसमें से एक जो उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं, कई सारे स्टडीज होती है, उसमें से एक मुख्य जो स्टडी होती है वो पैलेंटोलॉजिकल स्टडी होती है, जिसमें हम पुराने जीव जंतुओं के अवशेष पे हम टिप्पणी करते हैं और उसके बेसिस पे हम पहले ज्योग्राफी रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। दूसरा मुख्य कारण हो गया डायनासोर्स को और उसकी तरह बाकी प्राचीन काल के जीवों को पढ़ने का, कि हमें क्रमिक विकास के बारे में पता चलता है, यानी कि इवोल्यूशन के बारे में, कौन सा जीव किससे कितना ज्यादा पास है, उनका क्रमिक विकास में क्या योगदान रहा और वो कैसे हुआ, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और हमें पता चलता है कि पुराने काल प्राचीन काल में डायनासोर्स या बाकी जीव जंतु कैसे रहते थे, उस समय का मौसम कैसा था, उस समय धरती किस तरह से दिखती थी, उस समय टेम्परेचर कैसा था और इकोसिस्टम कैसा था, इसके बारे में भी अगर हमें जानना है तो हमें अवशेषों को उसके बारे में पढ़ना होगा, उसको जानना होगा। फिर बात आ जाती है मास एक्सटिंक्शन की। मास एक्सटिंक्शन वो इवेंट होता है कि धरती पे किसी बदलाव के कारण भारी मात्रा में जीव जंतुओं का विनाश होता है। धरती में अब तक मुख्य 6 मास एक्सटिंक्शन इवेंट हो चुके हैं जिसमें भारी मात्रा में कई जीव मारे गए। डायनासोर्स भी इसी तरह के एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट में मारे गए थे, जिसे हम KPG मास एक्सटिंक्शन इवेंट कहते हैं, यानी कि क्रिटेशियस पैलियोजीन मास एक्सटिंक्शन इवेंट। और जुरासिक पार्क जैसी मूवीज जो आप देखते हैं वो नहीं बन पाती अगर अगर हमें डायनासोर्स जैसे जीवों के बारे में ज्ञान ही नहीं होता। तो इसलिए डायनासोर्स या बाकी प्राचीन काल के जीवों के फॉसिल्स और उनके जीवाश्म की अध्ययन करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। धन्यवाद।